हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम हम लोग कंफर्मेशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे और कंफर्मेशनल एनालिसिस में हम लोगों ने क्या देखा था? देखा था कि हमारे पास जो ब्यूटेन है उसके कितने साइक्लिक कंफर्मेशंस बन पाएंगे और उसमें क्या मैक्सिमम स्टेबल होगा और क्या मिनिमम स्टेबल होगा। हम लोगों ने देखा था जो परफेक्टली इक्लिप्स मॉलिक्यूल था ब्यूटेन का, वो मैक्सिमम मिनिमम स्टेबल था और जो हमारा एंटी फॉर्म था वो मैक्सिमम स्टेबल था। उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमको मॉलिक्यूल को का मैक्सिमम स्टेबल मॉलिक्यूल और मिनिमम स्टेबल मॉलिक्यूल बनाना था। आज हम उस पर ही कुछ और क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द मैक्सिमम एंड मिनिमम मिनिमम स्टेबल कंफर्मेशन। हमारे पास क्वेश्चन है pH, CH3, CH2, PH। ये हमारा फ्रंट कार्बन एटम है और ये बैक कार्बन एटम। अब देखो, यदि फ्रंट कार्बन एटम को देखें तो फ्रंट कार्बन एटम पे pH, CH3 और H लगा हुआ है, ये पता चल रहा है कि नहीं? ये pH है, ये CH3 है और ये H है। तो हमारा फ्रंट कार्बन एटम है जो, उस पे क्या है? pH है, CH है, सॉरी H है और CH3 है। अब बैक कार्बन एटम पे जाना है, किस पे जाना है? बैक कार्बन एटम पे। बैक कार्बन एटम पे pH और दो हाइड्रोजन। तो देखो, यदि हमको मैक्सिमम स्टेबल बनाना है तो हमको स्टैगर्ड मॉलिक्यूल ही बनाना पड़ेगा, गॉस। स्टैगर्ड को ही गॉस कहते हैं। तो देखो, तीन हमारे पास पोजीशन है जहां हम लोग pH लगा सकते हैं। देखो, फर्स्ट यदि यहां हम लोग pH लगाए तो यहां pH और CH3 का रिपल्सन होगा। यदि pH यहां यहां लगाए तो यहां CH3 और H का रिपल्सन होगा, और यदि pH यहां लगाए तो यहां pH और H का रिपल्सन होगा। अब देखो, यहां pH और CH3 दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, यहां pH और H है तो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और एक छोटा मॉलिक्यूल है, और यहां CH3 और H देखे हैं तो CH3 pH से रिलेटिवली छोटा है और H सबसे छोटा है। तो हमारा क्या होगा कि हमको pH कहां लगाना पड़ेगा? ये इसके बीच में लगाना पड़ेगा, काहे कि यहां pH और H का रिपल्सन, यहां pH और CH3 का रिपल्सन, तो यहां लगा दिया हम लोगों ने pH। अब जो दो जगह बचे उस पे क्या लगा देना है हमको? H और H लगा देना है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो, यदि मिनिमम स्टेबल बनाना है तो फ्रंट कार्बन एटम पहले बनाते हैं। फ्रंट कार्बन एटम पे एक pH, एक CH3 और एक H। क्या है? एक pH, एक CH3 और एक H। अब बैक कार्बन एटम पे जाना है, बैक कार्बन एटम पे pH और दो हाइड्रोजन है। तो हम क्या करें, दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल को एक ही जगह लगा देते हैं। तो यहां लगा देते हैं हम लोग pH, यहां लगा देते हैं H और यहां भी लगा देते हैं H। तो दिस इज योर मिनिमम स्टेबल मॉलिक्यूल एंड दिस इज योर मैक्सिमम स्टेबल मॉलिक्यूल। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। हो गया, कर लिया कॉपी? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी मैक्सिमम स्टेबल और मिनिमम स्टेबल बनाना है। CH2OH और CH2OH कहता है कि इसमें तुमको मैक्सिमम स्टेबल मॉलिक्यूल बनाना है। देखिए, मैक्सिमम स्टेबल मॉलिक्यूल, देखो यदि यहां मैक्सिमम स्टेबल बनाना है तो हमको फ्रंट कार्बन एटम ये है और बैक कार्बन एटम ये है, ये है। सबसे पहले फ्रंट कार्बन एटम बनाते हैं। फ्रंट कार्बन एटम पे तीन चीज, एक OH और दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो भैया, एक OH है और दो
हाइड्रोजन। यदि मिनिमम मतलब यदि हम बैक कार्बन एटम पे जाएं और मैक्सिमम स्टेबल मॉलिक्यूल बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, OH को हम लोग जो जानते हैं OH को हमको ऐसे जगह पे लगाना है जहां मिनिमम रिपल्शन हो। तो हम लोगों ने लगा दिया OH को यहां और ये यहां और ये यहां। कोई दिक्कत है? देखो ये गलत क्यों गलत है दिखाते हैं। देखो ये फ्रंट कार्बन एटम है, इस पे OH है, H है और H। बैक कार्बन एटम पे यदि OH यहां लगा दें, H यहां और H यहां लगा दें, तो देखो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और ड्यू टू दैट हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू दिस। क्या होता है? ये ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू दिस। मतलब क्या होगा कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा मॉलिक्यूल में, पॉसिबल है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उस समय ये हमारा गॉस पोजीशन है और ये हमारा एंटी पोजीशन है। तो क्या होगा, गॉस इज मोर स्टेबल देन एंटी। क्या होगा? गॉस इज मोर स्टेबल देन एंटी। तो क्या ये आपको समझ में आया? आया। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हो गया कॉपी? ठीक, लॉकडाउन का मजा ले रहे हो ना सब लोग? बहुत बच्चा पढ़ रहा है, बहुत बच्चा नहीं पढ़ रहा है। लड़का सब तो लगता है कि कहां गायब है पता नहीं। लड़की सब पढ़ती है, कमेंट सब भी करती है, बोलिए दो टाइम वीडियो डालने के लिए डालेंगे सुबह और शाम। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाना है हमारे पास है CH2OH CH2F। ठीक है ना? ये देखो ये हमारा फ्रंट कार्बन एटम और ये बैक कार्बन एटम। देखो एक बात याद रखना, कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल के पास F या O या N होना चाहिए। फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यदि फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो देखो इस मॉलिक्यूल में ये हमारा फ्रंट कार्बन एटम, इस पे एक OH और दो हाइड्रोजन। अब यदि बैक कार्बन एटम को देखें तो बैक कार्बन एटम में तुमको क्या लगेगा कि फ्लोरीन को यहां लगा दें, लेकिन हम लोग फ्लोरीन को यहां लगाएंगे तो एंटी पोजीशन है, ठीक है, लेकिन यदि फ्लोरीन को यहां लगाएं तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, काहे कि HF आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो यहां हाइड्रोजन लगा देंगे और यहां हाइड्रोजन लगा देंगे और लिख देंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, गॉस इज मोर स्टेबल देन एंटी। गॉस जो होता है मोर स्टेबल देन एंटी होता है। क्या होता है? गॉस इज मोर स्टेबल देन एंटी। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, गॉस इफेक्ट। क्या है? गॉस इफेक्ट। गॉस इफेक्ट में क्या बोलता है, मोस्ट बल्कि सब्स्टिट्यूएंट ऑक्युपाइज गॉस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लोन पेयर, दिस इज नोन एज गॉस इफेक्ट। तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा। तो देखो ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक। तो फ्रंट पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन। तो कार्बन के लिए तो डॉट दिखाते हैं, तो नाइट्रोजन के लिए N लिख देते हैं। नाइट्रोजन के पास देखो दो हाइड्रोजन और एक लोन पेयर है, तो ये भैया इसका लोन पेयर हो गया और ये दो हाइड्रोजन हो गए, ये हो गया हमारा फ्रंट कार्बन एटम। अब बैक कार्बन एटम पे जाएं तो बैक कार्बन एटम पे एक CH3 और दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दिख रहा है।
अब देखो गॉस इफेक्ट बोलता है कि जो सबसे बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होगा, मतलब जो सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूएंट होगा वो गॉस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू द लोन पेयर। तो देखो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में एक ये गॉस है और ये गॉस है, तो इस दोनों में से कहीं भी हमारे पास तीन ऑप्शन है लगाने का मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए। तो देखो यहां हम लोग CH3 लगाते हैं, यहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब बताओ कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? देखो यहां सिर्फ लोन पेयर है, हाँ तो लोन पेयर तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन में ही है, तो रिपल्शन बिटवीन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन तो सबसे कम यही होगा, काहे कि यहां सिर्फ हाइड्रोजन का रिपल्शन है, यहां लोन पेयर का रिपल्शन है और लोन पेयर अभी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम लोग देखते हैं क्या है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन। देखो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन यहां मिनिमम हो सकता था या यहां, या तो यहां CH3 लगाते या तो यहां लगाए, तो हम लोगों ने यहां लगा दिया। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे और करते हैं। मिटा दें, क्वेश्चन है ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, ठीक ना, CH3, CH2 एंड H और CH3 और यहां पर यह हमारा लोन पेयर, ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। कोई दिक्कत है? ये हमारा फ्रंट, ये हमारा बैक। अब देखिए फ्रंट को देखें तो फ्रंट पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, एक CH3 है और एक हाइड्रोजन, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब बैक कार्बन एटम पे जाएंगे तो ये एक गॉस पोजीशन और ये एक गॉस पोजीशन, और बैक कार्बन एटम पे एक CH3 और दो हाइड्रोजन, तो यही मोस्ट बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है, या तो यहां लगाओ या तो यहां लगाओ। अब देखो यहां भी हम लोग सिलेक्शन करेंगे, यहां हाइड्रोजन का रिपल्शन होगा, यहां CH3 का रिपल्शन, तो बताओ किसका रिपल्शन कम? इस हाइड्रोजन का रिपल्शन कम, तो यहां से हम लोग CH3 यहां लगा देते हैं, रेस्ट जो पोजीशन है वहां हम लोग हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं है, हो गया चमका छाप लो छाप लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे हमारे पास है CH3, CH2 एंड CH3, CH3, सॉरी CH3 लिखो, C2H5 लिखो, और यहां लगा लॉन्ग पेयर, ये फ्रंट और ये बैक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रंट हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, एक C2H5 और एक CH3। बैक कार्बन पे एटम पे जाए तो एक CH3 और दो हाइड्रोजन। अब देखो यदि यहां हम लोग ये दो गॉस पोजीशन है, यहां लगाएंगे CH3 तो C2H5 का रिपल्शन, यहां लगाएंगे CH3 तो CH3 का रिपल्शन, C2H5 रिलेटिवली बड़ा मॉलिक्यूल है और CH3 छोटा, तो यहां रिपल्शन कम होगा, यहां रिपल्शन ज्यादा होगा, तो यहां CH3 लगा दो, रेस्ट पोजीशन पे H लगा दो। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ चैन, क्या पढ़ा, चैन जो है उसके कंफर्मेशनल एनालिसिस को पढ़ा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग साइक्लिक कंफर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को जो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वो घंटा जो है उसको जरूर बजाएं, और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।